दिग्गज कांग्रेस नेता हरिविलास यादव ने बीजेपी सरकार सहित वन मंत्री पर जमकर किया जुबानी हमला, कहा कि उपचुनाव में सबक सिखाना है। खबर कराहल से है, जहां आज प्रदेश सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरिविलास यादव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी सरकार में बनाए गए नवागत वन मंत्री राम निवास रावत पर भी तंज कसते हुए कहा कि वन मंत्री के समाज के व्यक्ति ही वनों की सफाई कर रहे हैं, एक आदिवासी को मंत्री पद से हटवाकर खुद वन मंत्री बन बैठे, ये कैसे आदिवासी हितेशी हो सकते हैं। आज के हालात ये हैं कि कांग्रेसियों को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं जिससे कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं, मगर उपचुनाव में जनता इनको सबक सिखा देगी। करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गरीब जनता के साथ में धक्का दे करके, धोखा दे करके, पैसा के लालच में वन मंत्री, एक आदिवासी जाति को वन मंत्री का दर्जा दिया गया था, उसका नांगर के नाम से था, आज उसको हटा करके और आज खुद जो है वन मंत्री बन के बैठे हुए हैं, और उसके समाज हमारे जो है बाहर से आया करके जंगल की सफाई हो रही है, खेत बन रहे हैं। आज हमारे हरिजन आदिवासी गरीब पिछड़ा वर्ग जाता है वन भूमि के जाकर के एक लकड़ी काटता है, उस पर केस काम किए जा रहे हैं, बाकी की उन पर कोई केस काम नहीं हो रहा मेरे बंद। आज हमारे इनके गरीबों के साथ में बे अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। विजयपुर में एक मलाकी बेटी के सिंह में दुर्घ किया और उसके साथ में आज तक FIR दर्ज नहीं होने दी, तो उसका उद्यम चल रहा है, उसमें को पीटा जा रहा है, माने डंडे की ताकत से वे कांग्रेस से हटा करके बीजेपी में वोट दिलवाना चाह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी के नजदीक हैं, मुख्यमंत्री का हमारा भाई है, सब झूठा जाल है, ना कोई मुख्यमंत्री, सब जाति का मुख्यमंत्री है, एक का किसी का नहीं है। राम निवास भ्रम फैला रहा है, इस भ्रम में कोई नहीं है। यादव गुर्जर ठाकुर ब्राह्मण जो कांग्रेसी परिवार जन्म के हैं, जे बैठे हैं, जे जन्म जाति परिवार ये बैठे हैं, जन्म जाति कुर्बानी देने वाले जे बैठे हैं, हम यादवासी को मिलेगा जी जान और पसीना नहीं खून बहा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बाकी की ये कही है कि सब लोग मजबूत हो जाए, वो बताई हमारे सरपंच साहब ने बताई, मैंने बताई कि हमको पौआ तो हर इंसान नहीं पीता है, पर एक दो पीते हैं, एक मछली पूरे समुद्र को बिगाड़ देती है। मेरे भाइयों अब ही समर जाओ, तुम्हारे सिंह में कितने का अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। मैं इतने का निवेदन करना चाहता हूँ कि अब सब एकजुट हो जाओ और तुम्हारी कांग्रेस को कोई हराने वाला माई को लाल कैसा नहीं। जय कांग्रेस।